लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम यहाँ पूरी धूमधाम से बानी का पहला करवा चौथ मनाने जा रहे हैं और वो उसका पति उसका होते हुए भी उसका नहीं है। करवा चौथ का व्रत रखो नहीं रखो कोई बड़ी बात तो है नहीं। मैंने कहा था कि नहीं रखना तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना सा नहीं कर सकती थी तो कौन सा बहुत बड़ा काम था। वैसे भी व्रत ना रख के वो रूप क्या करना चाहती है? क्या कोई बात है क्या? एक हफ्ते से तुम्हें फोन कर रहा हूँ तो मेरा फोन नहीं ले रही। Is there a problem? No, there's no problem. एक हफ्ते से I was very busy. It's not important कि मैं क्या feel करूँ। It's important कि अभी अपने लिए किसी और को ढूंढे। Please आपू, तुम्हें कोई medal नहीं देने वाला है। और वैसे भी जब जिंदगी अपने आप खुशी दे रही है तुम्हें, उसे ना कहने की क्या जरूरत है? हक है तुम्हारा to be happy. तो लोग expect करते हैं कि तुम wife हो तो तुम रखोगी व्रत। But it's all right. I mean, I don't care really, you know. So, सिर्फ कह रहा था मैं। अगले साल रख लूँगी। न जाने क्यों ये एहसास अब तुम ही तो हो जिंदगी में, हाँ तुम ही तो हो जिंदगी अपनी फेवरेट बरी से कब मिलने आ रही? हैरी आई एम रियली बिजी, मैं बाद में बात करती हूँ। ओह मैं मर सकता हूँ तुझे काम की पड़ी कैसी दोस्त को। चलो अपने कमीने बॉस का नंबर दो, मैं अभी उसकी क्लास लेता हूँ। आई टॉक टू यू लेटर हैरी, प्लीज आई एम बिजी। हे व्हाट्स अप? थैंक यू, आई रियली नीडेड दिस। क्या हुआ तुम लोग चेरी बाहर गए थे, मुझे बुलाया भी नहीं। इम्प्रॉम्प्टू प्लान था, चेरी वाज फीलिंग बिट लो। तो हाउ इज शी नाउ? कल तुमने छुट्टी ली थी, हैंगओवर आ गया। ओह गॉड, व्हाट्स विद द थर्ड डिग्री यार। मुझे नहीं पता था कि अपनी हर छुट्टी के लिए मुझे पहले तुम्हें बताना होगा। वैसे भी 3 महीने से मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली, नॉट इवन कतार। व्हाट्स बॉदरिंग यू? व्हाट इज रॉन्ग विद चेरी? मैंने क्या किया है यार वैंडी? एग्जैक्टली, तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या किया है। डिड यू कॉल हर इवन वंस? आई डिड, शी डजंट वांट टू टॉक। आई थॉट उसको स्पेस चाहिए तो कूल डाउन हो जाएगी, मैं बात कर लूंगी। स्पेस? Really? वो भी तब जब उसको तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। चेरी ने हमेशा हमारा साथ दिया है ना, मेरे डैड के टाइम पर, तुम्हारे फैमिली इश्यूज के टाइम पर। तो मैं कहाँ जा रही हूँ यार? I'm always there for you too. Seriously आना, जब से उस संस्कारी ने उसे छोड़ा है, she is feeling terrible about herself. और जब उसने जोक किया, to make it worse, you are laughing at her. I didn't mean it that way, यार, Wendy. You know me. You, Harry, वो Harry के साथ जाना चाहती है, you know him. Yeah, Harry, he likes you. What? Oh come on! Don't tell me कि तुम्हें पता ही नहीं he likes you. कतर में last day जब मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, तब तुमने ही कहा था ना कि उस पार्टी में सब कह रहे थे कि he likes you. और उस रात कार में जब तुमने उससे ये सवाल पूछा, तो वो एकदम चुप हो गया. वो तुम्हें पसंद करता है आना. I mean it's okay हम सबको attention अच्छा लगता है यार, जब तक वो harmless है, obvious ना है. लेकिन ये क्या? अगर वही harmless attention चेरी को चाहिए, तो उसमें problem क्या है? या पर तुम उसे बांटना ही नहीं चाहती? What are you saying, Wendy? तुम जानती हो हैरी हमेशा फ्लर्ट करता रहता है, and it's all harmless. मैं कोई स्टूपिड लड़की नहीं हूँ जिसे ये सब बातें समझ में नहीं आती है. अगर यही बात मुझे किसी और ने बोली होती ना, I wouldn't have given a rat's ass. But you, ये तुम मुझे कह रही हो कि मैं अटेंशन बांटना नहीं चाहती हूँ, मुझे उसकी अटेंशन अच्छी लगती है. Do you even realize I'm a happily married woman? Or you don't? Thank God, at least my husband trusts me. Really?
Hi. Hi. What a lovely surprise. Guys, please excuse me. Hi, Mrs. Mehra. Hi. मुझे पता नहीं था तुम्हारी मीटिंग चल रही है. Sorry. It's fine, it's fine. क्या बात है अचानक तुम यहाँ? Rohit, do you trust me? क्यों पूछ रहे हो? You know me, Rohit. मैं छोटी बातों का इशू नहीं बना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि छोटी बात का इशू बनाओ तो बहुत बड़ा ड्रामा हो जाएगा. अगर तुम समझ रही हो कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें कुछ नहीं समझा. But whatever it is, I'm sorry. What? Why are you sorry? Because तुम यहाँ तक आई हो तो मेरे से you know knowingly or unknowingly जाने अनजाने में वो कोई गलती की होगी मैंने तो if I've made a mistake I'm sorry and I'll make sure it never happens again. It's not about you. Oh, okay then. It's about Harry. Harry. Harry, 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 Mister. Harry, better, better, better. Let's talk about Harry. क्या हुआ? ऐसा कुछ हुआ नहीं है. It's nothing important. But since Vandy pointed out, तो मुझे लगा I should let you know. क्या? उस दिन रात को when he had called me, वो hernia pain and all that, मैं उसके पास गई थी. I think he was a bit drowsy, heavy medications and वो casually कुछ बोल रहा था. Which was very weird. मुझे नहीं अच्छा लगा. उसने मुझसे कुछ कहा. क्या कहा? He said that I'm his favorite speed dial girl. Excuse me? His favorite speed dial girl? Yeah. And he also said that you are a very lucky man. No, that I am. But what does he mean by you are his favorite speed dial girl? इसका क्या मतलब होता है? I don't know. Okay, I'll ask him. What do you mean you'll ask him? Yeah, I'll ask him. Na, I'll how dare he tells my wife speed dial girl? No, please. ऐसे call wall मत करना उसको. It's nothing major. मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ because I'm starting a new project with him and I'm really excited about that. लेकिन अगर तुम कहोगे कि मैं ना करूँ ये काम तो मैं नहीं करूँगी. Although I really want to. No, I don't care whether you want to or you don't want to. तुम उसके साथ काम नहीं कर सकती बस. आना मेरी wife को वो बोल रहा है अपनी speed dial girl. What are you? Are you a hooker like his loose character girlfriend? पहली बार देखा था ना मैंने इसको. मैं समझ गया था रामजादा है सारा. He can't. Sorry, you can't work with him. Sorry. तूने ये सब कहा? अब पागल है क्या? ये कहना चाहता था, लेकिन कहा नहीं. मैंने तो कह दिया कि नहीं. तुमको क्या लगता है मैं ऐसा इंसान हूँ जो तुमको कहेगा कि नहीं तुम्हारे और तुम्हारे करियर के बीच में आऊंगा? No, sweetie. If you think it's good for you, you should do it. और ये Harry और ये सारी बातें जो उसकी ना छेछोरी, these are small stupid things. बिल्कुल. है ना? And focus on what you do. Yeah. What you are good at. बस सिर्फ ना ये ऐसे लोगों को you should keep them at an arm's length, थोड़ा दूर. No personal calls, no dinners. Yeah, no dinner, obviously. Yeah, obviously. Thank you. Anytime. Thank you so much. I love you. I love you too. ऐसे खूब भरी निगाहों से देख रही थी मेरी तरफ. तो मैंने कह दिया वाह रे वाह. डिनर सीन तो कैंसिल हो जाएगा जो एक घंटे का होता है, लेकिन उस आठ घंटे का क्या जो वो उसके साथ काम करती है? तो सोचा उसके बारे में यार, क्या करूं? काम है उसका ना, काम तो करेगी, रोक भी नहीं सकते यार. बैठ जा, तेरी डीलरशिप है. अब देखना यार, उसने निकी के लिए कितना कुछ किया है ना, मेरे लिए इतनी लाविश बर्थडे पार्टी थ्रो की, तो यार इन अ वे तो कमाल है ना. और मैंने जब कहा जो मैंने कहा तो मैंने उसकी आंखों में अपने लिए बड़ा एक रिस्पेक्ट सा देखा यार. तो यू नो आई फेल्ट गुड यार. और आना के सामने मैंने उस हैरी को पूरा छिजोरा प्रूव कर दिया. पछताएगा साले तू, पछताएगा. याद रखना मेरी बात को. कभी कभी ना मैं सोचता हूँ कि मैं कितना लकी हूँ कि मेरी बीवी ना उसको कोई हॉट बोलता ही नहीं. That's damn sad. I mean, not really. भाभी जी हॉट है. Anyway, मैं ये कह रहा था कि यार है ना, मैं बड़ा पहले शायद जैसे ही भाव दे रहा था उसको, हैरी को ज़्यादा, you know, I was reading too much into it. लेकिन ऐसा कुछ है नहीं. And I'm very happy कि आना ने आके मुझे सब कुछ ऐसे साफ साफ बता दिया. I understand. I get it now.
तेरी प्रॉब्लम पता क्या? तूने अपनी जिंदगी पूनम भाभी जैसी बीवी के साथ बिताई तो, और अभी अना जैसी इंडिपेंडेंट वुमेन के साथ तुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है यार। और इसमें तुझे ये भी दिखाना कि तू एक महान पति है, ग्रेट हस्बैंड, ओपन माइंडेड, नॉट जेलस, वो क्या बोलते हैं उसको, इमेंसिपेटेड, इमेंसिपेटेड, वही जो तू नहीं है। अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ यार अपने आप को बदलने की। अच्छा, लेकिन ये बात सच है कि औरतें बदल रही हैं भाई, हम वक्त के साथ नहीं बदल रहे। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, अगर औरतें बदल गई हैं तो इट्स अ गुड थिंग यार, हमें लगेगा लेकिन हम भी बदल जाएंगे। एटलीस्ट मैं तो कोशिश कर रहा हूँ यार, मेरी फर्स्ट फीलिंग तो यही थी ना कि आना उस हैरी के साथ काम ना करे, नहीं रुक पाया उसे, तो नाउ आई एम डीलिंग विद इट, है ना, आई एम टेकिंग इट माय स्ट्राइड, ट्राइंग टू बी अ गुड हस्बैंड, ओपन माइंडेड, यू नो। हाय, क्यों बुलाया मुझे? ये लीजिए, अ गिफ्ट फॉर यू। मूंगफली? अरे गोल्ड एंड डायमंड्स है मैडम। ओह, सो प्रेशियस। तो सुनो, हम दोस्त हैं ना? तो इसका मतलब है मैं अपनी डेट की डिटेल्स तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स, कम लेट्स गो फॉर अ वॉक। आई लव दिस प्लेस। तुम्हें पता है जब रोहित और मेरी शादी हुई थी तो हम दोनों यहाँ बहुत आते थे। थैंक्स फॉर द इन्फो, पर मगर पूनम मैं अभी अपनी डेट के बारे में बात कर। सॉरी, तुम बताओ, मैं मूंगफली खा रही हूँ। तुमने मुझे डेट पे भेजा और तुम्हें ही इंटरेस्ट नहीं सुनने का? मुझे तुम्हारी लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओह नो 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 मैडम, अब आपने टिकट खरीद ली है तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी, मतलब सुननी पड़ेगी। सो इट वॉज फक ऑल, इट वॉज रियली बैड। अब आया इंटरेस्ट मेरी स्टोरी में। बताओ। हर सेंट वाज लाइक वॉशिंग पाउडर निर्मा, तो ऐसा लग रहा था कि मैं वॉशिंग मशीन के साथ डेट पर आया हूं। उसकी शक्ल आहट वाली भूत, इतना पाउडर थोपा हुआ था। तुम्हें मजा आ रहा है ना कि मैं इतनी बुरी डेट पे गया? हाँ हाँ हाँ, ए ए लूज शिफ्ट्स आर इन बेब। रियली? या सोनम, आलिया, एवरीवन वेयर्स इट। यप, विकी बी भी कॉन्स्टेंटली लूज ड्रेसेस में ही पैप्ड होती है। पैप्ड? बाय द वे, हु इज दिस विकी बी? लाइक सीरियसली, विक्टोरिया बेकहम ब्रो। ओ अच्छा, तो तू विकी भी तो ऐसे बोल रहा है जैसे वो तेरी विक्टोरिया बुआ हो। हे आर्य, जस्ट स्टॉप पुलिंग हिज लेग। केडी हैज अ वेरी गुड फैशन सेंस। हां, एंड द लूज फिट्स, लूज शिफ्ट्स, या व्हाटएवर। और पानी, ये लूज कपड़े पहनने का क्या फायदा? इतनी हॉट बॉडी है, कुछ वेयर समथिंग हॉट ना। अरे मतलब कुछ भी यहाँ, चल ट्राई कर यार प्लीज। आर्या, या गो ट्राई दीज प्लीज यार, ट्राई दीज, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग, गो। या व्हाटएवर, फास्ट। यार बानी, I don't understand ध्रुव का this obsession of boom banging inside the car. I mean, मुझे लगता है कि जितना time मैंने उसके साथ room में spend नहीं किया है ना, उससे ज़्यादा तो car में spend किया है. At least शादी कर ले, room तो रहेगा. पूजा तुम पागल है क्या? Are you out of your mind? Please शादी कभी मत करना, okay? शादी is this close to committing suicide. Please don't get married ever. बानी please, आर्या is a very loving husband and both of you are happy. यार पूजा, आर्यन हस्बैंड का मोर बच्चा ज्यादा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक हैविंग अ बेबी एट होम। पता है मुझे कभी कभी क्या लगता है कि अच्छा हुआ कि मेरा मिसकैरेज हो गया। सीरियसली, व्हाट द फक डिड यू जस्ट से? आर्य, आर यू फॉर रियल? तूने कहा कि यू आर हैप्पी कि मिसकैरेज हुआ? रियली? अरे दैट्स रियली चीप ऑफ यू टू ओवरहियर आवर कन्वर्सेशन। आई एम चीप राइट नाउ? या This is what I'm talking about. You know, you need to grow up. You're always overreacting. Yaar, are you kya kar raha hai? Shut the fuck up. Okay? Problem tujhme, mujhme nahi. Samjhi? And you know why? Do you fucking know why? Cause tere genes mein hi nahi hai to be happily married. Tere khoon mein hi nahi hai. Jaisa baap waisi beti. Fuck. What the fuck just happened?
brilliant just happened. बैंडी चेहरे को मैसेज करूं? अरे आ रही हूं। डैड, डैड, he's not home. He's on his way. क्या हुआ? Bus, bus, bus. That's it. अब सुनो, तुमसे एक बात कहनी थी. जो भी हुआ दोबारा नहीं होगा. But please ये bad date पे फिर से मत भेजना please. Okay. घर जाओ, खाना खाओ और सो जाओ. और फिर? फिर सपने देखो. फिर? बाय. सुनो, रात को फोन करूं? As a friend. Okay, friend. बाय. तुमसे कोई बात नहीं करनी है. I'll just wait for dad. You have some work, right? Just can you just do that? I don't want you to see me cry. Please, can you leave me alone? Bani, I don't want to leave you alone. Hi. क्या हुआ? How was it? Stop it, Yashina. Aha, missing you already. Ananya? Hello? Hi, Ananya. Bani yahan hai. Tum busy ho kya? Nahin, batao. Okay, listen, don't get worried, okay? But mujhe aisa lagta hai ki Arya and Bani have had a fight. Thodi trouble lag rahi hai wo. And Rohit is also with her. I think tumhe yahan hona chahiye. I'm coming. Okay, see you. मुझे अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा है. Bani needed me and I was not in the house. Poonam, please don't be so hard on yourself. Come on, एक छोटी सी fight हुई होगी उन दोनों के बीच में. And you know how hot-headed Bani is. Sheena, Bani की mistakes को ठीक करने के लिए I have to be there. वो मेरी बेटी है. लेकिन तुम्हें अपना भी तो ख्याल रखना है. इतनी सारी responsibilities तुम निभाती हो. But please understand कि your life as a mother and as a woman will always intermingle with each other. अरे तभी तो आज women are such great multitaskers. बच्चे बड़े हो गए हैं पूनम. हर बात में तुम उनकी मदद तो नहीं कर सकती हो. Please understand पूनम कि it's okay कि तुम्हें अपनी life में एक अलग source of happiness मिले. Sheena, I understand, but I have to rush. पूनम. क्या हुआ बानी? हाथ तो नहीं उठाया तुमने उसने? नहीं डैड, अगर ऐसा करता तो I would have chopped off his balls.
Then what happened? Dad, जब से आपका और मॉम का डिवोर्स हुआ ना, my life has been a mess. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं. I want to take control over my own life. I think I need a break. What do you mean break? I feel trapped. So nahi ho raha. So, beta, if you think it'll help, if you want a break, take a break. Dad, phir Aryan ne jo kaha, wo sab kahenge. Kya? Jaisa baap waisi beti. Sorry. See, buddy. Right now, your happiness, your well-being is of utmost concern to me. Okay? Duniya bhad mein rahi, unko jo bolna hai bolne do. You do what you have to do. We'll sort it out together. Yeah? I think it'll be a good idea if tum mere saath yahan kuch din raho to. Dad, ab apne mom ko chhodkar Ananya se shaadi kar li hai. I'm still not cool with that. I'm sorry, I can't stay. Oh, it's sorry. मैं मॉम से बात करती हूँ. I'll wait for her. देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ. Dear.